अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेट सेक्रेटरी बिहार के और कंटेस्टेड एमएलए जो हाल ही में एमएलए के लिए भी लड़े थे, जिनका नाम अब्दुल सलाम है, और इनका कत्ल कर दिया गया है। जहाँ पर ये अब बाइक मोटरसाइकिल से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने इनका घेराव किया और फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही जो आसपास के लोग थे वो भागते हुए आए और इनको देखा और इनको हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर इनकी मौत वाक़ई हो गई। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर के साथ साथ गोपालगंज इस्लामिया मदरसे के भी सदर थे। और बताया ये जा रहा है कि एमपी इलेक्शन थे, ये एमपी इलेक्शन आने वाले जो हैं इसकी तैयारी ये कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, और उसके बाद से ये अपने घर को जा रहे थे, तभी ये हमला किया गया। क्या हमला ये पॉलिटिकल कत्ल है या फिर कोई पुरानी रंजिश, पुरानी कोई दुश्मनी का ये नतीजा है, अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। हालात को देखते हुए एसआईटी को ये केस दे दिया गया है और ये बताया जा रहा है अभी तक कि ये तला है, क्योंकि पुलिस तो कुछ नहीं बोल रही है। दो लोगों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया, पूछताछ कर रहे हैं कि ये कत्ल की वजह क्या है और किस लिए मारा गया है, लेकिन पुलिस कुछ भी कहने से अभी बच रही है, क्योंकि हालत ख़राब हो सकते हैं और इसलिए पुलिस पूरी एहतियात से काम कर रही है। जिस तरह से कत्लेआम हो रहे हैं, जिस तरह से अतीक अहमद का कत्ल कर दिया गया था पुलिस की कस्टडी में, तो फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे इस मुल्क का कानून, हमारे इस मुल्क का जो लैंड ऑर्डर है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो कितना संजीदा है, कितना अच्छा काम करता है। जिस तरह से ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ते जा रही है, ऐसे गोंडों की हिम्मत बढ़ते जा रही है जो खुलेआम फायरिंग करते हैं और इस तरह से कत्लेआम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जिस तरह से बिहार में एक सियासी खेल चल रहा है, नीतीश कुमार इधर से उधर, उधर से इधर का काम चल रहा है, कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी दूसरी पार्टी में जाते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है कि लैंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, लैंड ऑर्डर को कंट्रोल में करने का। यही वजह है कि ऐसे लोग जो कुछ रुपयों के लिए इस तरह से कत्ल कर देते हैं, और या कुछ अपनी हिम्मत अफजाई के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरह से कत्ल कर देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। बहरहाल इनके घर वालों की जानिब से भी कुछ ख़ास स्टेटमेंट नहीं आया है, कुछ इतला नहीं मिली है कि इनकी कोई दुश्मनी थी या क्या थी। बहरहाल पुलिस हर एंगल से तहकीकात कर रही है, उम्मीद है कि कातिलों जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और जो सच्चाई है वो भी सामने आ जाएगी, लेकिन उम्मीद है पूरी ईमानदारी से सच्चाई को सामने लाना बहुत ज़रूरी है।